हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखिए, पिछले दिन ये शेयर आपका क्लोज हुआ था 174.75 पे, हाई गया था 176 पे एंड लो गया था 163 पे। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है, जो कि एक अच्छा रेटिंग है। मार्केट कैपिटल इसका है 4177.91 करोड़ एंड एंटरप्राइज वैल्यू आपका 4199.01 करोड़। और इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्ट है 483.20 करोड़। तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.47। किसी भी कंपनी का अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। और कंपनी के पास अभी आपका कैश भी है 462.10 करोड़। मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है, कंपनी चाहे तो ये जो डेप्ट है आपका 483, इसमें आपका 460 का तो डेप्ट चुका सकता है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 4.05। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से बहुत ही ज्यादा है, लगभग 4 गुना ज्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। इस कंपनी में इस साल में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है आपका 134.72%, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 64.73%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ऊपर होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है कि ये जो आपका 64.73% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। और भी एक अच्छा बात है कि आपका पब्लिक के पास ओनली आपका है 17.75%, DII के पास है आपका 12.52% एंड FII के पास है आपका 4.99%। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, और ओवरऑल अगर आपका फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट एनालिसिस पे। तो हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट एक बार देख लेंगे। तो देखिए, पहले से शुरू करेंगे एकदम। इसी साल अप्रैल महीने में ए शेयर चल रहा था ओनली 94.95। अगर अप्रैल से यहां से देखेंगे इस जगह पे तो आप लोगों को एक अपट्रेंड क्लियरली देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, जिस लास्ट ट्रेडिंग डे पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है, और उसी स्ट्रॉन्ग कैंडल पे सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया है। और आज का डेट में ए शेयर 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी डेली चार्ट में अबव 60 है, और MACD की बात करें तो MACD डेली चार्ट में 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल, मतलब पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करते हुए जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो MACD का जो व्हाइट लाइन है ये थोड़ा सा बैंड हो चुका है, मतलब बैंड होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है इस शेयर में अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने क्या किया, स्क्रीन पे इसका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे, ये जगह पे लगभग आपका पिछले साल मार्च का महीने में, सॉरी अप्रैल का महीने में, मतलब 2020 अप्रैल के महीने में इस शेयर का प्राइस चल रहा था आपका 61 के करीब, और अभी कितना चल रहा है आपका 174 के करीब, मतलब डबल से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और भी एक चीज देखने लायक है। देखिए, लास्ट टाइम पे ये आपका था 2019 जनवरी का महीना, यहाँ पे हाई बनाने के बाद इस शेयर नीचे की तरफ आया था, और आज के डेट में ये जो आपका जो इसका जो लास्ट हायर हाई था इसको भी तोड़ के शेयर ऊपर चला गया, तो ये भी एक अच्छा बात है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चल जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, वीकली चार्ट में इस जगह पे, मतलब ये आपका था 13 सितंबर का जो वीक था, उसी वीक में यहाँ पे आपका सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था, तब से थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, लेकिन शेयर ऊपर की तरफ गिर गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका नीचे की तरफ आया, लेकिन सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया, और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद शेयर अभी पॉजिटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ओके,
और दो तीन चीज अच्छा है। देखिए आज के डेट में ये शेयर आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज सुपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है ये आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चला गया, मतलब दोनों मूविंग एवरेज के बीच में एक क्रॉसओवर हुआ है। और जब भी ऐसा क्रॉसओवर होता है शेयर आपका ऊपर की तरफ ही जाता है। अगर RSI की बात करें तो देखिए RSI आपका अबव 60 है और MACD की भी बात करें तो MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब ओवरऑल अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। और भी आसानी से समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे, मंथली चार्ट। ओके, तो अभी देखिए मैंने क्या किया, स्क्रीन पे इसका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्या, इस जगह से अगर देखेंगे ये आपका था पिछले साल मतलब 2020 दिसंबर का महीना, मतलब जस्ट एक साल पहले यहाँ पे सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था। उसके बाद अगर देखेंगे तो शेयर क्लियरली यहाँ पे शो कर अप ट्रेंड में ही है। और आज के डेट में मतलब लास्ट दो महीने पहले ये शेयर ने क्या किया, मंथली चार्ट के हिसाब से इसका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज था उसको भी तोड़ दिया है और इसके ऊपर आपका सस्टेन भी कर चुका है। और आज के डेट में ये शेयर आपका 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर RSI की बात करें तो देखिए RSI यहाँ पे आपका क्लियरली 60 पॉइंट से ऊपर है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और अगर MACD की बात करो तो MACD 0 पॉइंट से ऊपर है, बहुत दिनों से 0 पॉइंट से ऊपर है और लास्ट 3 महीने से यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैंडल भी बना रहा है। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो फंडामेंटली भी ये शेयर बहुत अच्छा है और टेक्निकली मतलब डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में ये शेयर मुझे अभी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 174, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, मतलब आप लोगों का अगर नजरिया ज्यादा से ज्यादा एक महीना 15 दिन का है तो टारगेट रखिएगा 190 का। और अगर आप लोग थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं, मतलब आप लोगों का नजरिया अगर 3 महीने का है 4 महीने का है तो आप लोग इसका टारगेट रख सकते 225। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।